स्कूल टाइम में होते हैं ना तो काफी कुछ अलग होता है, वो एज ही होता है यानी टीन एजर्स, जिस टाइम आपको प्यार के बारे में सबसे पहले पता चलता है, आपके अंदर भी वही सारी फीलिंग्स होती है, लेकिन आप कैसे करो उनसे बात, आपको पता है कि आप किसे पसंद करते हो, लेकिन उसे इस बात का एहसास कैसे दिलाए कि वो आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो जाए। तो जस्ट दो तीन चीज़ें आपको करनी चाहिए, बातों से ही बात बनती है, तो जो भी बात करोगे उतना अच्छा, कॉन्टैक्ट नंबर ले लो, बातें ले लो, या फिर आप स्कूल टाइम में भी बातें करो, नोट्स सिर्फ उस टाइप के हर एक चीज़ है, जैसे कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपने क्या नोट्स बनाए, आपने नोट्स बनाए तो मैं हेल्प कर देता हूँ, क्या आपकी तबीयत सही नहीं है तो मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, मैं आपके लिए ये ला देता हूँ, ये सारी चीज़ें करने से उन्हें अच्छा लगता है कि आप इतनी केयरिंग हो और उनका काफ़ी अट्रैक्ट हो रही है। हर रिश्ते की शुरुआत अगर दोस्ती से हो तो ये इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। दोस्ती करें, उसके बाद कन्फर्म अपना रिश्ता करें, सबसे पहले फ्रेंडशिप तो करें, उसके बाद देखते हैं कि जैसे वो फ्रेंड बनती है, आप उसे जानें, पसंद ना पसंद एवरीथिंग आपको जाननी ज़रूरी होती है। इम्प्रेस करें पर जल्दबाजी ना करें। इम्प्रेस कैसे करें, आप स्मार्ट बॉय हो, स्मार्टनेस दिखाओ, रहो स्मार्ट, रहो और दोस्तों के बीच में अपनी जो है इमेज काफ़ी अच्छी करो, बस अपने दोस्तों को बता देना कि मुझे उसे इम्प्रेस करना है, फिर दोस्त सपोर्ट करते ही हैं। लंबे समय तक बातें और उसी के साथ लंबे समय तक उसके साथ रहना, अब कोचिंग क्लासेस कहीं भी होंगे आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करो, उसी के साथ टू बी फ्रेंडली, आप उसके साथ उसकी फैमिली के साथ भी फ्रेंडली हो, जिससे कि उसे भी अच्छा ही लगेगा, और अगर आपका अफेक्शन सही है, आपका कनेक्शन सही है, अट्रैक्शन है, तो फिर उसकी बातें तो बात ज़रूर बन जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी जरूर से जरूर कहना, और हाँ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, जस्ट लाइक अ पॉजिटिव वे, आप अपना नाम और आपका क्रश कौन है।